Engineering Association. Jindabad. All J&K Engineering Association. Jindabad. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Insaf karo, insaf karo. Government saab, insaf karo. Insaf karo, insaf karo. Government saab, insaf karo. Insaf karo, insaf karo. Government saab, insaf karo. We want justice. 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 Insaf karo, insaf karo. Government saab, insaf karo. Insaf karo, insaf karo. परवाज के साथ मैं मुमताज भट्ट। आज हम पहुंचे रुखमा रफीआबाद, क्योंकि आपको पता है लगातार मुसलसल जो है एमजी नरेगा एम्प्लॉइज पैनडाउन स्ट्राइक पे, और इसी जमन में आज हम रुखमा का हमने दौरा किया, तो इस जमन में बात करेंगे एमजी नरेगा के कुछ एम्प्लॉइज से और जानेंगे उनके क्या मुतालबे है और वो मजीद इस पैनडाउन स्ट्राइक को क्या बढ़ाना चाहते या नहीं। और हमारे साथ इस वक्त क्योंकि रोहमा ब्लॉक में हमें, तो हमारे साथ बहुत सारे जो एमजी नरेगा एम्प्लॉइज है, तो पहले बात करेंगे आप इनसे। आपको नाम क्या? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अक्सी परवाज जी, मेरा नाम शेख बशारत, मैं एक ब्लॉक रोहमा में प्रेजेंटली इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हिसाब से भी इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। जो मैं आपको पहले बता, मैं अक्सी परवाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लगातार इस हड़ताल की कवरेज लेके हमारी आवाज़ गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे हड़ताल का मुद्दा जो है वो पिछले 16 अगस्त से जारी है, पैनडाउन प्रोटेस्ट जो चल रहा है जिला सतह पे, जो ब्लॉक लेवल पे चल रहा है पिछले 16 तारीख से। आज हमारी हड़ताल का 16वां दिन है और हमारा एक ही मुतालबा है सरकार से, जो पिछले कई वर्षों से बता के आए हैं, 2008 से, 2012 से, 14 से, 18 से, कि बस हमें एब्जॉर्ब कर दो डिपार्टमेंट में, जिसके बिना पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 2018 में, जो इसका ऑर्डर नंबर वाइड ऑर्डर नंबर 169 गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 16977 2018 यानी 2018 में उस वक्त की कमेटी बनाई शीतल, जो इस वक्त की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी ने कमेटी बनाई, और उसने 15 दिन का वक्त दिया कमेटी को कि इनको मकमदेही तरक्की के अंदर जम किया जाएगा परमानेंटली। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया, जिसकी बिना पे आज हम मजबूर, आज 2 साल 8 महीने गुजरने के बाद जब उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया तो हम फिर सड़कों और अपने हड़ताल लेकर मजबूर, हड़ताल होने पर मजबूर हो गए। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी डिग्रीज का ताल्लुक है, इसमें खाली आपको पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे, एमटेक होल्डर्स मिलेंगे, एमबीए होल्डर्स मिलेंगे, एमए बीएड होल्डर्स मिलेंगे। जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है, पिछले 14 साल से हमें एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट को एक इस वक्त जिम्मा है पंचायत केडर पे, वो उनको पंचायत लेवल पे पोस्ट एम्पल नंबर ऑफ पोस्ट उनको 177 सीडी ब्लॉक्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है, क्योंकि जो मुलाजिम बाकी डिपार्टमेंट से ला रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी टेक्निकल असिस्टेंट अवेलेबल काम कर रहे हैं उन पोस्ट के अगेन, जो ये हमारे अपने पोस्ट जीआरएस ऑलरेडी बीएलडब्ल्यू के पोस्ट अगेंस्ट काम कर रहा है, हमारे जो एमआईएस ऑपरेटर है वो ब्लॉक ऑपरेटर ऑलरेडी ब्लॉक लेवल के सत्ता पे काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें एक बड़ा डिसीजन लेना है। हम गवर्नमेंट को ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर हमारी तनख्वाह बहुत कलील है, 6,000 रुपया है, हमें इसमें भी आप 2,000 कम कीजिए, लेकिन हम एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने 42,000 आरटीज का मसला हल कर दिया, उनको परमानेंट जॉब पॉलिसी दी और उनका मसला हल कर दिया, वो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इसके बगैर आरएसआर रेफ्रिजरेट स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, तो उनको भी गवर्नमेंट ने अब्सॉर्ब कर दिया परमानेंटली। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में कस्तूरा बाई टीचर्स थे, उनको भी गवर्नमेंट ने अब्सॉर्ब किया, वो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे, एलजी मनोज सिन्हा साहब पे, और अपने डिपार्टमेंट के शीतल नंदा जी से, अपने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर रूरल डेवलपमेंट जम्मू, अपने एडवाइजर बशीर खान साहब से, कि इंशाल्लाह हमें लग रहा है इस वक्त गवर्नमेंट एमजी नरेगा मुलाजमीन के बारे में बहुत संजीदा है। और आप सुन रहे हैं और आप हर एक ब्लॉक पे जाते हैं कि आपको यही मिलता होगा कि जो लोग हैं, आप लोगों से भी रिपोर्ट पा रहे हैं नरेगा स्टाफ के बारे में, आपको बीडीसीज भी बता रहे हैं, आपको सरपंच साहिबान भी बता रहे हैं, आपको आम लोग बता रहे हैं कि जो मुश्किलात इस वक्त है। अगर लोग सफर कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि नरेगा स्टाफ की वजह से लोग सफर करें, लेकिन अगर सफर कर रहे हैं ये इस डिसीजन को लेके, जो इस डिसीजन को धीरे करने में डिसीजन नहीं गवर्नमेंट दे रही है, इस वजह से लोग सफर कर रहे हैं। नाजरीन और भी हमारे साथ जुड़े हैं बाकी एम्प्लॉयज, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या तासरात है। चूंकि जी, आपका नाम क्या? मोहम्मद कासिम सर। बोलिए मोहम्मद कासिम सर। जी कासिम साहब, क्या ख्याल है आपका, अगर आपके जो इस टाइम आप पैन डाउन स्ट्राइक पे, तो कैसे इसको देखते हैं? सर जी, हमारा मतलब सिर्फ एक ही है पैन डाउन स्ट्राइक का, हमारा मकसद किसी को तंग करने का नहीं है, हमारा मकसद गवर्नर को बताने का ये है कि सर हम भी आपके बच्चे हैं, सर हमने डिपार्टमेंट को अपना कीमती वक्त दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी हैं जो अब रिटायरमेंट की एज को भी पहुंच चुके हैं। सर जहाँ पर आप इस कहीं भी पंचायत देखोगे ना सर, एक परमानेंट स्टाफ के साथ साथ आपको एक जीआरएस भी मिलेगा, वहाँ पे एक टेक्निकल असिस्टेंट भी मिलेगा, इस ऑफिस में आपको एक सीएसई ऑपरेटर भी मिलेगा और एक एमएस ऑपरेटर भी मिलेगा। घर हर सतह पे हम लोग काम कर रहे हैं सर, आदित्य नरेगा भी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई सेक्रेटरी पंचायत हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम हम भी करते हैं सर। अब प्लीज़ हमारे बारे में सोच लीजिए, हमारी जॉब पॉलिसी के बारे में कुछ सोच लें, ताकि हम भी आराम की ज़िंदगी गुजार सकें सर।
तो कैसे देखते हैं आप, अगर आपके मुतालबे पूरे नहीं किए गए तो क्या ये पेंडाउन स्ट्राइक लगातार जारी रहेगा? वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। उस बारे में हमने रखा हुआ जाबर साहब को, वो जो डिसाइड करेगा हम उसके फॉलो करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब जाबर साहब जो वो डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह वही हो भी सकता है कि हम लोग मत रेजिग्नेशन भी करेंगे या फिर ये प्रोसेस मतलब और मत बढ़ जाएगा। तो नाजरीन बात कर रहे थे एमजी नरेगा के जो रोहमा ब्लॉक है उसके उससे मुंसलिक कुछ एम्प्लॉयज हमारे साथ, तो इनका यही कहना है कि अगर उनके मुतालबे जल्द पूरे नहीं किए गए क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें डिपार्टमेंट में बाकायदा तरीके से जम किया जाए, और इनका ये मानना है कि अगर इनके मुतालबे जल्द पूरे नहीं हुए तो वो शायद रेजिग्नेशन करेंगे। कैमरामैन ताहिर भट्ट के साथ अक्षय परवाज़ न्यूज़ के लिए रोहमा से मैं मुमताज़ भट्ट।